मजीद की शायद ने रमजान मुबारक के सिलसिले में तीन बड़ी बातें बयान कर दी। पहली बात ये ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज होती है। हर मुसलमान आकिल बालिग पर रब्बुल आलमीन ने रोजा फर्ज किया और इसकी फर्जियत का मामला यह है कि ये पहली उम्मत उम्मत मोहम्मदिया नहीं है जिस पर फर्ज किया गया, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है मिन कबल कुम, तुमसे पहले के जितने भी अहले ईमान गुजरे हैं, ये पूरी तारीख बयान कर दी गई रोजे की, सबके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा मैं सोया हुआ था, दो लोग मेरे पास आए, दो फरिश्ते, और दो फरिश्तों ने मुझसे कहा चलिए। जब मैं उन लोगों के साथ चला तो ये पहाड़ पर लेकर गए जिसकी छान बड़ी मुश्किल बिल्कुल सीधी पहाड़ी थी, तो मुझसे कहा गया कि इस पर चढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया चलो तुम्हारी मदद की जाएगी। कहते हैं कि जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि बेशुमार लोग जो थे वो चीखो पुकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे दर्द की शिद्दत से, और मैंने देखा कि उनके कल्ले छिपे हुए थे और वो उल्टे टिके हुए। मैंने फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है, तो इरशाद फरमाया ये रोजा खोर लोग, जो रोजा नहीं रखते थे ये रोजा खोर लोग, हम लोगों की सजा दे, अगर कोई शख्स जाग बूर करके रोजा तोड़ेगा तो उसके लिए कफारा भी है और कजा भी है, यानी उसको सदका भी अदा करना है और उसके साथ साथ उसको वो रोजा हर सूरत में रखना है। बल्कि रोजों की कजा के सिलसिले में अगर आप पढ़े कि अगर किसी के जिम्मे रोजा कजा है तो मरने के बाद जो वाहिद चीज वारिसीन करेंगे अपने माँ बाप की वो यही रोजा है, कि अगर मरने वाले के ऊपर कुछ रोजे बाकी है तो वारिसीन यानी उसकी अपनी औलाद उसकी तरफ से रोजा रखेगी। यह हर मुसलमान आकिल बालिग के ऊपर फर्ज हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में शर्त में तकवा, ताकि तुम इसके जरिए तकवा हासिल करो यानी मुत्तकी बन जाओ। रमजान मुबारक का महीना, इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाहरुल रमजान लदी उज़िला फीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। कुरान किताब हिदायत है, मुत्तकी आदमी कैसी जिंदगी गुजारे इसकी पूरी तफसीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। तो अल्लाह ताला ने इस एक आयत में रोजे की फर्जियत, रोजे की तारीफ और रोजा रखने का जो फायदा है ताकि उसके जरिए तुम तकवा हासिल करो, तकवे की बात इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो आगे आएगी। तो अल्लाह ने तीनों चीजें बयान फरमाई, रोजे के सिलसिले में एहकामात भी इसके फौरन की बात क्या है क्या आपको मिलेंगे। मैं किसान के साथ एक दो चीजें बयान कर दूं कि रमजान मुबारक का आगाज 4 दिन का करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज हो चुका है। अगर 29 को चांद दिखाई न देवे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया 30 दिन पूरे करो, जब चांद दिखाई देवे तो ये दुआ पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा आइन्नहु अलैना मिन अमरि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी वरहमतुल्लाह। चांद देखने के बाद ये उससे पहले रमजान के सिलसिले में मुबारकबाद, इस्तकबाल और ये तमाम चीजें जो आज हमारे समाज और माशरे में राइज है इसका कोई सबूत किताब सुन्नत से नहीं है। रमजान मुबारक के सिलसिले में तैयारी करना चाहिए, तैयारी इस तरह करना चाहिए कि कमाने की जितनी भी चीजें हैं, जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में आदमी रख ले हुए ताकि रमजान में फरागत रहे, खूब इबादत और रियाजत करे, अपने आगे खाना को तैयार करे, अपने घर वालों को तैयार करे, उनके लिए ऐसा माहौल बनाए कि उनको कम से कम लोड पड़े, कम से कम उनके ऊपर बोझ पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा इबादत के लिए फारिग हो सके। रमजान मुबारक में रोजे का आगाज सहेली से करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहेली, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है, उसमें से एक सहेली करना। सहेली जो है आदमी को जो मुयस्सर हो खाए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम उस वक्त तक खैर में रहोगे जब तक सहेली में देर करते रहोगे। सहेली में देर का मतलब ये है कि अजान का वक्त जब बिल्कुल करीब हो जाए उस वक्त सहेली करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी 2-3 बजे रात को खा लेंगे और उसके बाद, ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैर उस वक्त तक रहेगा तुम पे जब तक सहेली में देर करते रहोगे, तो बिल्कुल आखिर वक्त में सहेली करना चाहिए। सहेली के लिए जब आदमी कोई खास रोजे की नियत नहीं है, यानी सहेली के लिए आदमी उठे तो हमारे यहाँ जो रोजे की नियत बयानी गई है जबान से,
ऐसी कोई नियत नहीं है, बल्कि दिल में इरादा कर ले वो काफी आदमी के लिए। आदमी सहेली के लिए अगर उठा और फिर पर तो वो नापाक था और वक्त तो इतना कम है कि अगर वो उसको करे तो आसान हो जाएगी और वक्त तो गुजर जाएगा तो उसको उसी हालत में सहेली करके रोजे का आगाज कर देना चाहिए, बाद में उसको हो तो कर लेना चाहिए। अगर कोई आदमी सहेली के लिए उठा, कुछ देर हो गई कभी और उसने सहेली का आगाज किया और थोड़ी देर के बाद अजान हो गई, अल्लाह के नबी से अजान शुरू हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि कोई शख्स अगर बर्तन में हाथ हो उसका, यानी खा रहा हो और अजान होने लगे तो वो अपना खाना पूरा कर ले, मगर इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। कभी एक्सीडेंटली अगर हो जाता है कि आदमी इतना लेट हो जाता है तो ऐसा कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो अजान होती थी, हमारे यहाँ जुमा की अजान के सिलसिले में लोग इख्तलाफ करते हैं। रमजान मुबारक में तो अजान फजर में होती थी, एक हजरत बिलाल हबशी देते थे और एक हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो बिलाल हबशी की अजान से सही बुखारी वगैरह में भी यह रवायत मौजूद है, बिलाल हबशी की अजान से सब लोग उठ जाते हैं अफ्तारी करते सहेली करने के लिए, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि देखो बिलाल की अजान तुम्हें खाने से न रोके, जब अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम अजान दे रहे तो खाने से रुक जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम के अजान देने के बाद नमाज खड़ी होने तक के हम लोग 30 आए थे और वहां के बाद 50 भी है छोटी बड़ी आए थे, इतनी आयतें तिलावत करते वक्त नमाज खड़ी हो जाती, तो सही बिल्कुल आखिर वक्त में करना चाहिए, अगर मुयस्सर हो तो करना चाहिए, और उस वक्त तो खास तौर से कोई मुताइद दुआ नहीं है बिस्मिल्लाह करके उसका आगाज कर ले, रोजे का इस तरह से आगाज होगा इंशाअल्लाह अजीज, रोजाना कुछ ना कुछ मसाइल थोड़े थोड़े आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की रब्बुल आलमीन रोजे के तमाम अहकाम पर तेरी नाजिल करता शरीयत और तेरे नबी के बताए हुए दीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह खूब इबादत की तौफीक दे रब्बुल आलमीन, खूब तौबा की तौफीक दे, खूब तिलावत की तौफीक दे रब्बुल आलमीन, इलाहा अल आलमीन, रमजान मुबारक, अपने आप को तब्दील करने वाला बना दे रब्बुल आलमीन।